नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम अंशुल सिंह है और आप सभी का मेरे YouTube चैनल टेक्निकल दुनिया में स्वागत है। दोस्तों, कल मैंने अपने चैनल पर टेक न्यूज़ नाम से एक नई वीडियो सीरीज़ की शुरुआत की है। कल मैं इसका एक वीडियो अपलोड कर चुका हूँ और आज उसी सीरीज़ का दूसरा वीडियो है। इस वीडियो सीरीज़ में दोस्तों हम टेक रिलेटेड न्यू डेवलपमेंट्स के विषय में चर्चा करेंगे, तो आइए इस सीरीज़ के दूसरे वीडियो की शुरुआत करते हैं। दोस्तों, आज की चर्चा का जो विषय है उसमें पहला विषय ये है कि आज से जो है 500 और 1000 रुपए के नोट जो है गवर्नमेंट ने पूरी तरह से बंद कर दिए हैं। यानी कि आप किसी भी बैंक में जाकर 500 और 1000 रुपए के नोट को जमा नहीं करा सकेंगे। यदि अभी भी आपको पैसे जमा कराने हैं तो आपको सीधे जाके रिजर्व बैंक में जमा कराने होंगे, वो भी एक एफिडेविट के साथ में। कल हमारे प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने एक नई एप्लीकेशन का उद्घाटन किया है भीम नाम से। ये भीम एप्लीकेशन NPCI ने लॉन्च की है और ये UPI की एक स्ट्रेट फॉरवर्ड एप्लीकेशन है। यानी कि और दूसरे बैंक की एप्लीकेशंस की तरह जो है इसमें उनका वैलेट और 50 इधर उधर की जो फीचर्स जो है इंटीग्रेटेड नहीं है। आप डायरेक्टली जो है UPI की सेवा का जो है इससे फ़ायदा उठा सकते हैं और इसमें जो है नेविगेशन में आपको परेशान नहीं होना पड़ेगा। हालांकि दूसरे बैंक की तरह इस एप्लीकेशन में मैक्सिमम ट्रांजेक्शन लिमिट जो है वो 1 लाख की नहीं है। इसमें आप केवल जो है 10,000 रुपये तक का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं एक बार में और एक दिन में आप मैक्सिमम 20,000 रुपये का ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। पर इसके जो एडवांटेजेस वो ये हैं कि आप इसको जो है स्मार्टफोन में भी यूज़ कर सकते हैं और आपके पास यदि 1000 या 1200 रुपए का कोई फीचर फ़ोन है तो उसमें भी इसको यूज़ कर सकते हैं। और इसके लिए आपको जो है इंटरनेट होना मोबाइल में आपके कोई ज़रूरी नहीं है, यानी कि आप बिना इंटरनेट के भी ट्रांजेक्शन कर सकते हैं। तो मेरे हिसाब से ये जो एंड्रॉयड प्ले स्टोर पर कल एप्लीकेशन लॉन्च हुई है, इसका एडवांटेज ये है कि कल तक जिनको हम अंगूठा छाप बोलते थे इलिटरेट आदमियों को, आज अंगूठा ही जो है उनकी पहचान बन गया है और गरीब आदमी भी और जो अशिक्षित आदमी है वो भी बिना किसी हैसल के इस तरह की एप्लीकेशन को यूज़ कर सकता है। दोस्तों, कई बार जब मैं इंटरनेट पे मैं टेक्निकल न्यूज़ वगैरह सर्च करता हूँ अपने यूट्यूब चैनल के लिए, तो बहुत सारी इंटरेस्टिंग न्यूज़ भी देखने को मिलती है। जैसे एक न्यूज़ ये देखने को मिली मुझे कि एक फैमिली ने अमेरिका में एप्पल को जो है स्यू किया है अपनी आईफोन एप्लीकेशन फेस टाइम के लिए। फैमिली का कहना ये था कि उसकी जो फेस टाइम एप्लीकेशन है वो लोगों को डिस्ट्रैक्ट करती है और उसी डिस्ट्रैक्शन की वजह से उस फैमिली का एक्सीडेंट हो गया। तो मेरे भाई, अगर आप इतने रिस्पॉन्सिबल पर्सन हैं तो ड्राइविंग करते समय इस एप्लीकेशन को क्यों यूज़ कर रहे थे? दोस्तों, मुझे नहीं लगता कि इंडिया में इस तरह का कोई केस हम लोग को देखने में मिलता है और मेरे ख्याल से इस तरह में इंडिया में कोई जो है सेंसलेस पर्सन भी नहीं है जो इस तरह का क्लेम करेगा किसी कंपनी के ऊपर। आफ्टरऑल जो है ये रिस्पॉन्सिबिलिटी तो हमारी ही खुद की है कि हम इस तरह की एप्लीकेशन को ना यूज़ करें ड्राइविंग करते समय। और तो और दोस्तों, इस लॉसूट में मेन क्लॉज जो है उसमें ये लिखा है कि एप्पल ने जो है सफिशियंट जो है प्रिवेंटिव मेजर्स नहीं लिए इस तरह की एप्लीकेशन के लिए। कहने का मतलब ये है कि एप्पल को GPS का एक ऐसा फीचर्स उस एप्लीकेशन के साथ में देना चाहिए था जिससे कि यदि गाड़ी जो है तेज़ रफ्तार में चल रही है तो एप्लीकेशन अपने आप डिसेबल्ड हो जाए। तो भाई, ये चीज़ तो मेरे नहीं समझ में आती, क्योंकि अगर जो है गाड़ी तेज़ रफ्तार में जा भी रही है लेकिन जो चैट करने वाला है जो पैसेंजर सीट में बैठा है तो एप्लीकेशन को ये कैसे मालूम पड़ेगा कोई पैसेंजर है कि ड्राइवर है? तो आफ्टरऑल दोस्तों, मेरा तो ये मानना है कि इस तरह की दुर्घटनाओं के लिए हम खुद ही जिम्मेदार होते हैं। किसी कंपनी को जो है ब्लेम देने से और लॉसूट एक खड़ा कर देने से इसका सोल्यूशन नहीं निकलेगा। ये सब केवल जो है पैसे गेन करने के लिए स्टंट्स होते हैं लोगों के। दोस्तों, जो हमारी अगली न्यूज़ है उसको हम इंटरेस्टिंग तो नहीं बोल सकते बल्कि वो एक डेंजरस चीज़ बोल सकते हैं उसको, क्योंकि वो आने वाले एक भविष्य में आने वाले खतरे की तरफ इशारा करती है जिसको कि हम लोग साइबर वारफेयर से कनेक्ट कर सकते हैं। दोस्तों, हुआ ये कि रशिया के एक ग्रुप ऑफ हैकर्स ने एक मॉलवेयर तैयार किया होगा और वो अभी जो है अमेरिका की एक इलेक्ट्रिक यूनिट में डिस्कवर किया गया। उसका नाम है ग्रिजली स्टेप। तो इस तरह के वायरस जो होते हैं किसी पर्टिकुलर यूनिट में अगर एक्टिवेट हो जाते हैं तो पूरी इलेक्ट्रिसिटी यूनिट को जो है वो शट डाउन कर सकते हैं। तो क्या होगा सोचिए, अगर किसी दिन जो है कोई सब स्टेशन या पावर स्टेशन जो है पूरी तरह से ठप हो जाए, हर जगह की जो है इलेक्ट्रिक सप्लाई बंद हो जाएगी। अब उसके खिलाफ जो है अमेरिका काम कर रहा है और ढूंढने की कोशिश कर रहा है कि कौन इसमें इन्वॉल्व थे और उनको उनके खिलाफ क्या एक्शंस लिए जाएं, क्या नेसेसरी स्टेप्स लिए जाएं। लेकिन दूसरी तरफ से ये सोचें तो अमेरिका ने जो खुद बोया है उसी को काट रहा है। दोस्तों, अगर आपने स्टक्सनेट के बारे में सुना होगा तो आपको समझ में आ जाएगा मैं किस बारे में बात कर रहा हूँ। नहीं तो थोड़ा सा अपना समय निकाल के इंटरनेट पर स्टक्सनेट के बारे में ज़रूर सर्च करिएगा। हुआ ये कि अमेरिका और इसराइल ने मिलकर ऐसा ही एक वायरस जो है या मॉलवेयर बोल सकते हैं एक तैयार किया था। हालांकि ये केवल एलिगेशंस है लेकिन बहुत से लोगों को मानना है कि ये सच बात है। तो उस वायरस का काम था कि सीमेंस की एक पर्टिकुलर जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्किट को जो है वो अफेक्ट करता था
और इसके अलावा चाहे वो लैपटॉप में पड़ा हो, चाहे मोबाइल में पड़ा हो, या किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस में ये वायरस पड़ा हो, ये अपना काम नहीं करता था। इसलिए इसको डिटेक्ट करना बड़ा मुश्किल था, क्योंकि कुछ इसका सिम्टम समझ ही में नहीं आते थे कि वायरस है भी कि नहीं है, क्योंकि ये वायरस जो है बहुत ही स्पेसिफिक हार्डवेयर को टारगेट करता था। और वो हार्डवेयर कहाँ यूज़ होते थे? वो यूज़ होते थे ईरान की पूरी न्यूक्लियर ग्रेड में, यानी कि इसके अलावा पूरे ईरान भर में वो वायरस फैल जाए चाहे उसका कोई इफेक्ट नहीं निकलेगा, लेकिन वो वायरस अगर ट्रेवल करते करते किसी तरह से उनकी न्यूक्लियर फैसिलिटी में पहुंच जाए तो उनकी पूरी की पूरी न्यूक्लियर फैसिलिटी को ध्वस्त कर देगा। और इस वायरस को जब ढूंढा गया तो ये एलिगेशंस बहुत मतलब पॉपुलर हो गए थे कि ये सब जो है अमेरिका और इसराइल का किया धरा है। तो अब ये देखने को आया है कि इसी तरह के वायरस जो है रशिया ने अमेरिका में जो है फैला दिया है। तो इसीलिए मैंने कहा था कि जो बोया है वही काट रहा है। और कमेंट में ज़रूर लिखिएगा आप मेरी इस बात से एग्री करते हैं कि नहीं करते हैं। लेकिन हम लोगों के लिए इसमें सोचने वाली बात यह है कि भारत जो है सॉफ्टवेयर का हब कहा जाता है, अगर जो है वर्ल्ड जो है न्यूक्लियर से हटके जो है साइबर वॉरफेयर की तरफ बढ़ रहा है धीरे धीरे, मतलब आने वाली अगली सेंचुरी में ये जो है न्यूक्लियर यूक्लियर सब डिस्ट्रॉयड हो जाएंगे और मेन जो मोड ऑफ वॉरफेयर रहेगा वो साइबर अटैक्स वगैरह रहेंगे, तो मेरे ख्याल से हम अभी सुपर पावर हो चुके हैं। क्योंकि सॉफ्टवेयर के मामले में मुझे नहीं लगता कि इंडिया से ज़्यादा ऊपर कोई भी वर्ल्ड का कोई और देश है। और वर्ल्ड के अगर कोई देश जो है थोड़ा बहुत काम जो कर भी रहे हैं, वो भी जो उसमें सॉफ्टवेयर इंजीनियर से इन्वॉल्व है, वो कहीं ना कहीं से जो है इंडिया से रिलेटेड है, इंडिया से एजुकेटेड है, या इंडिया में ही जो है आउटसोर्स होके आ रहा है काम। तो दोस्तों जाते जाते बस एक और खबर, वो है ट्विटर यूजर्स के लिए। ट्विटर के जो सीईओ हैं जैक डॉर्सी, उन्होंने अपने यूजर्स से एक प्रस्ताव मांगा था कि आप ऐसा क्या चाहते हैं 2017 में जिससे कि ट्विटर को और बेहतर बनाया जा सके। तो बहुत सारे यूज़र्स ने कमेंट किया कि ऐसी कोई फैसिलिटी ला दीजिए जिससे कि हम ट्वीट्स को जो है री एडिट कर सकें। तो जो सीईओ है वो भी इस बात पे एग्री करे कि हाँ ये एक फैसिलिटी होनी चाहिए, लेकिन इस तरह की फैसिलिटी को लाना कोई जो है 1 या 2 दिन का काम नहीं है, इसके लिए काफ़ी टाइम और पेशेंस चाहिए और काफ़ी सारा जो है कोड में चेंजेस करने पड़ेंगे। तो देखते हैं अगर इस तरह के प्रस्ताव पर वो काम करती हैं तो आप फ्यूचर में जो है हम अपनी ट्वीट्स को वापस से एडिट कर सकेंगे। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। आशा करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर ये आपको वीडियो पसंद आया तो प्लीज़ इसको लाइक करें और कमेंट ज़रूर करें, क्योंकि ये सीरीज़ अभी भी शुरुआती दौर में चल रही है और मैं ये जानना चाहता हूँ कि इस सीरीज़ को और ज़्यादा से ज़्यादा बेहतर किस तरीके से बनाया जा सकता है। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें। और हाँ, जो ऐसे यूज़र्स हैं जिनको इस बारे में जानकारी नहीं है, उनको मैं ये बता दूँ कि सब्सक्राइब करने का यूट्यूब में कोई भी पैसा नहीं लगता है, आप बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट सब्सक्राइब कर सकते हैं। और इसका एक फ़ायदा ये होगा कि जब भी मेरे चैनल पर कोई भी नया वीडियो अपलोड होगा तो सबसे पहले जो आपको ईमेल के थ्रू या नोटिफिकेशन के थ्रू खबर पहुंच जाएगी कि एक नया वीडियो आया है और आप जाके तुरंत उसको देख सकते हैं। तो फिर मिलते हैं हमारे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए धन्यवाद।